माना कि कहते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लेकिन जनाब अगर विलन ऐसे कोशिश कर कर के अपनी मंजिल पा लें तो फिर कहानी कहाँ आगे बढ़ेगी। अब कभी कभी इत्तफाक में ही देख लीजिए, रणविजय जो है वो अनुभव की ड्रिंक को पॉइजन कर रहे हैं और बड़े आराम से उन्होंने पैतरा ऐसा खेला कि बस उनका तो पैतरा फिट हो जाएगा और अनुभव का काम तमाम हो जाएगा। लेकिन जनाब अगर सीरियल के हीरो इतनी आसानी से गायब होने लगते या उनका काम तमाम होने लगता तो फिर बात ही क्या होती। भैया अभी आंखें खोलो। लगता है किसी ने उसे जहर दे दिया है सर। अब ऐसा क्यों होता है कि जब जब अनुभव ना मुंबई में आता है उसकी जान को खतरा हो जाता है। इसके पहले जब वो मुंबई आया था तब आतंकवादियों से उसका सामना हुआ था और अब जब वो मुंबई आया है गुनगुन ने उसके लिए इतनी बड़ी पार्टी रखी थी। उस पार्टी में जो ड्रिंक अनुभव के लिए आया था उस ड्रिंक को स्टूडेंट काउंसिल के एक लीडर ने पी लिया। फिर क्या आपको बता दे उस ड्रिंक में ना जहर मिला हुआ था और ये जहर किसी और ने नहीं बल्कि रणविजय ने मिलवाया था। एक स्टूडेंट काउंसिल का जो एक लीडर है जिसने अनुभव को खोजने में मेरी हेल्प की थी उसको आई थिंक ही इज़ नॉट वेल, कुछ तो ड्रिंक पिया था और उसमें आई थिंक इट वॉज स्पाइक्ड, तो उसकी वजह से बेहोश हो गया। जो ड्रिंक एक्चुअली वॉज इंटेंडेड फॉर हिम, तो अभी यहाँ पे कोई बड़ी साजिश हो रही है। कहीं ना कहीं अनुभव की जान पे खतरा काफ़ी टाइम से है, तो आई थिंक इट कुड बी दैट सेम पीपल जिन्होंने पहले भी अनुभव को हार्म करने की कोशिश की थी, है ना? क्या लगता है? लग तो यही रहा है। अब वो अनुभव को अपने रास्ते से हटाना चाहता है जिसके लिए उसने दूसरी बार कोशिश की है अनुभव की जान लेने की। हाँ मतलब साजिश तो हुई है कि अनुभव को मारने की, कि उसके लिए एक ड्रिंक आया था जिसके अंदर कुछ तो था जो एक स्टूडेंट ने पी लिया है और अब वो बेहोश हो गए हैं। तो अब ये पूरा प्रोसेस चलेगा कि पता करेंगे कैसे, क्यों, किसके लिए, कब, और कुछ होता है क्या? बस इतना ही। अब मामला संगीन हो गया है। आखिर कौन है जो कुछ ऐसा गड़बड़ कर सकता है? गुनगुन के दिमाग में अब जासूसी चल रही है। वो तो अब छप्पर फाड़ कर इस बात का पता लगाएगी कि आखिर कौन पड़ा है उसके अनुभव के पीछे। यानी कि अब गुनगुन का काम दोबारा शुरू हो गया जासूसी वाला। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।